हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला चाय। इसके लिए यहाँ पे मैंने आधे गिलास पानी लिया है, 1 कप दूध, 1 चम्मच चाय की पत्ती, 1.5 चम्मच शुगर। आप शुगर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 तेज़पत्ता, 1 क्रश की हुई हरी इलायची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 लौंग। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारा अदरक का टुकड़ा है उसे हम ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। इसे कद्दूकस करके चाय में डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे गैस पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अदरक को पानी डाल के एक उबाल आने के लिए गैस पे छोड़ दिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, 1 तेज़पत्ता, 1 लौंग और हरी इलायची, और मैं यहाँ पे चाय की पत्ती भी डालूंगी। अगर आप कड़क चाय पसंद करते हैं तो चाय की पत्ती थोड़ा ज़्यादा डालें, इससे जो हमारी चाय है वह एकदम कड़क बनेगी। और इसे एक उबाल आने तक गैस पे छोड़ देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो जो अदरक और मसाले हैं उसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप शुगर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम हाई रखेंगे। और देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अगर आप कम दूध वाली चाय पीते हैं तो दूध कम डालें, अगर आपको ज़्यादा दूध पसंद है तो आप ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं। और इसे एक उबाल आने तक छोड़ देंगे गैस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो चाय है उसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, मैं स्लो कर दूंगी। ये देखिए ये अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। देखिए मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया और इसे हम 1 कप पे निकाल लेंगे। ये रही हमारी गर्मा गर्म चाय रेडी। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।